जी न्यूज़ पोर्टल का दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, एक छोटी बच्ची है और ये प्राइवेट बस स्टैंड पर किसी की आ गई है। यहाँ पर देखिए दर्शकों, गंगा पुछली के ये पेट्रोल पंप के पास में है, ये मोटर्स के यहाँ पर है। ये बच्ची है दर्शकों, और ये बच्ची इनको मिली थी, कहाँ से मिली थी? अभी रोड पे से पार हो रही थी, जो एक मोटरसाइकिल वाले से गिर गई थी, उसको उठा के लेके आया, पैर इसके नाली में हो रहे थे, तो फिर यहाँ पे लेके आके बैठा के पूछा तो कुछ नाम पता कुछ बता नहीं दिया। अब एड्रेस हो तो छोड़ के आए इसको, फिर हमने जोशी जी को मौके पर फ़ोन करा, फिर अभी आया, इनकी हेल्प चाहिए हमें। देखिए दर्शकों, ये बच्ची है जो किसी की आ गई है यहाँ पर, और प्राइवेट बस स्टैंड पे पैर में इसने मेहंदी भी लगा रखी है बच्ची ने। और दर्शकों, अगर कोई इस बच्ची को कोई पहचानता हो जानता हो तो कमेंट करें, शेयर करें, या मेरे मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है। 99-28-12-24-15 पर आप सूचना दे सकते हैं। ये बच्ची फिलहाल प्राइवेट बस स्टैंड पर है, पेट्रोल पंप पर के पास में। आप देख रहे हैं ये मोटर्स की दुकान के पास में बैठी हुई है बच्ची। नाम क्या बेटा? नाम क्या, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? निशा। ईशा? दिशा तो नहीं है, दिशा। क्या नाम है बेटा? नहीं बोल पा रही है, बोल नहीं पा रही है सही तरह से। सही नाम पता अपना बता नहीं पा रही है। और बेटा, भैया का क्या नाम है? भैया का क्या नाम है? भैया का भैया पापा का नहीं बोल, अभी सही तरह से बोल नहीं पा रही है बच्ची। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ स्कूल जाते हो क्या? कौन से स्कूल में? स्कूल का क्या नाम बेटा? कहाँ पे रहते हो आप? देखिए दर्शकों, ये बच्ची है और कब से? ये अभी 15-20 मिनट हुई है, नाले में पैर हो गए थे इसके, आधा घंटा हो गया। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बच्ची अपने परिजनों तक पहुंच सके। और हमें आशा ही नहीं विश्वास, जरूर सफलता मिलेगी हमारे सभी दर्शकों पर हमें विश्वास है, जरूर शेयर करेंगे इसे। तो छोटी बच्ची है, और कुछ नाम पता एड्रेस सही कुछ बता नहीं रही है। दर्शकों कमेंट करिए, अगर कोई इसको जानता हो पहचानता हो तो। गंगा पुछली के दिल्ली पेट्रोल पंप के पास में ये मोटर्स की दुकान है, डीएस मोटर्स के नाम से शोरूम है, ई रिक्शे का शोरूम के पास में ये बैठी हुई है दर्शकों। अगर इसको कोई जानता हो पहचानता हो तो कमेंट करें, ये शेयर करें। मेरे मोबाइल नंबर पर जी न्यूज पोर्टल पर सूचना दे सकते हैं आप। 99-28-12-24-15 फिलहाल गंगा पुछली के प्राइवेट बस स्टैंड पर है ये बच्ची, बस स्टैंड के सामने पेट्रोल पंप के बगल में मोटर्स की दुकान पर है। एक बार नीचे बैठो, आप सही एड्रेस पूछो इससे बताने को। क्या नाम है बेटा? क्या? निशा। ईशा? निशा बेटा, निशा है नाम? नाम लिखो आप, नाम लिखो बेटा, नहीं आएगा नाम। अरे थोड़ा दिमाग में बच्ची का जानता हो तो कमेंट करें, शेयर करें। घर चले मम्मी के पास चले। किसके पास जाएगी? पापा के पास जाएगी। पापा खाएं? कहाँ पे पापा? कहाँ पे? काम पे। कहाँ पे रहते हो आप? किसके साथ आई थी आप? किसके साथ? मम्मी के साथ आई थी? पापा के साथ? अकेली आई थी। अकेली आई थी।
क्या नाम बताया आपने, क्या नाम है, नाम क्या है आपका, इधर रहते हो आप, इधर रहते हो, इधर 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 रहते हो आप, लेकिन अच्छी है और अपना नाम पता है, एड्रेस सही नहीं बता नहीं पा रही है। अगर कोई इसको कोई जानता हो पहचानता हो तो दस कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परिजनों तक पहुँच सके। दसों को जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि ये बच्ची अपने परिजनों तक पहुँच सके। सबकी दे दो एक बार, है ना, एक बार सबके ले लो, सबके ले लो। देखना ना सबको, ये प्राइवेट बस स्टैंड के सामने ये मोटर्स की दुकान है, ई रिक्शा की, और यहाँ पर ये बैठी हुई है। तो सबको कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये पता लगवाओ साहब, लगा रहे हैं। तो सब कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये बच्ची अपने परिजनों तक पहुंच सके। पता नहीं रही है, बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है सही तरह, मंद बत्ती है सर। फिलहाल दर्शकों, ये गंगापुर सिटी के दिलीप सिंह पेट्रोल पंप के बगल में बैठी हुई है जस्ट। अगर कोई इसको जानता हो पहचानता हो तो कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बच्ची अपने परिजन तक पहुंच सके। बोल नहीं पा रही है, मंद बुद्धि से है, पहचान भी बताओ। मम्मी के पास जाने के लिए मना कर दी है, हाँ फली जी, हाँ जी नमस्कार, हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट बस स्टैंड पे है ये मोटर्स की दुकान पर, आपकी बात, आ जाओ आ जाओ, दर्शकों देख रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जी न्यूज पोर्टल का देख रहे हैं दर्शकों, जी न्यूज पोर्टल का दस असर हुआ है, और अभी मोबाइल पे जस्ट हमने चलाई थी और खबर आ गई है उसके परिजन पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, राजस्थान न्यूज पोर्टल का, न्यूज पोर्टल का धन्यवाद, जी न्यूज पोर्टल का बार बार धन्यवाद सर, देख रहे हैं खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हो, जोशे जी का हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। कितनी देर हुई होगी अभी सर, कम से कम ये ज्यादा से नहीं आधा घंटे के समथिंग, 30 से 35 मिनट के अंदर इन्होंने पता लगा दिया, 10 मिनट के अंदर इन्होंने पता लगवा दिया। और हमें, हमारे जो दर्शक हैं, लाखों की तादाद में दर्शक हैं जी न्यूज पोर्टल के, गंगापुर सिटी में जी न्यूज पोर्टल पर कम से कम 2.5-3 लाख दर्शक हैं जुड़े हुए हमसे, और हमें गर्व है उन हमारे दर्शकों पर, हमारे खबरों को एक्टिवता से देखते हैं, और तुरंत आप देख रहे हैं अभी 5 मिनट ही हुए होंगे खबर चलाया हुआ है, और उसका असर हुआ है, और तुरंत फ़ोन आ गया, और अभी उसके परिजन पहुंचने वाले हैं। तो सर कॉमेंट करें, शेयर करें, फिलहाल देख रहे हैं दर्शकों, ये यहाँ पर बैठी है मोटर्स की दुकान पर, हमारे जो जागरूक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जो भैया हमारे बीएस मोटर्स, हमारे जागरूक दर्शक हैं, और जागरूकता का इन्होंने परिचय भी दिया, हमें फ़ोन किया था, और बच्ची जो इधर उधर घूम रही थी, टकरा भी सकती थी, टकरा गई थी सर, जब भी उसको उठा के सड़क पर से मैं लेके आया, इसके पैर और हाथ दोनों नाले में हो रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से हाथ मुँह धुलाया इसके, फिर ला के ऑफिस में बिठाया, फिर यहाँ पर आपको फ़ोन किया, आप मौके पर पहुँच गए, और फिर पोस्ट है आपने लाइव किया, और फिर लाइव होते ही इसके माँ बाप को पता लग गया 10 से 15-20 मिनट में। वैसे को एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, हमने अभी कल एक हॉस्पिटल में एक क्यूट बच्चा था, वो भी ऐसे ही अपनी दादी से बिछड़ गया था, हमने खबर चलाई तुरंत, वो कह रहा था बच्चा कि मेरी दादी खो गई है मुझसे, दादी खो गई है, लेकिन क्यूट बच्चा था, लेकिन वो बहुत समझदार बच्चा था, 3-4 साल का बच्चा था, लेकिन उसने पूरा नाम बताया, एड्रेस बताया, वो सही बताया। हमारा सभी लोगों से कहना है, अपने परिजनों से जो छोटे बच्चे हैं उनके, उनको मोबाइल